हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिजाइनर वेस्टर्न टॉप की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है। तो ये टॉप बनाने के लिए यहाँ पे मेन फैब्रिक मैंने लिया है, ये है जॉर्जेट का फैब्रिक और बहुत ही प्यारा और अच्छा फैब्रिक है। ये देखिए, आप देख सकते हो। तो ये मैंने 1 मीटर लिया है, अस्तर भी मैंने यहाँ पे 1 मीटर लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ऐसा छोटा जो है इलास्टिक लगेगा टॉप बनाते टाइम। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग का फैब्रिक जो है मैंने ओपन करके 4 फोल्ड में रखा है, ये 2 और नीचे वाले 2, ऐसे 4 लेयर है हमारे पास। ऊपर से 1/2 इंच पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे और फैब्रिक अगर यहाँ पे टेढ़ा है तो वो उससे साइड से निकाल लेंगे। देखिए, 1/2 इंच यहाँ से लाइन जो है ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, 1/2 इंच ऊपर से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है शोल्डर का मेजरमेंट। आपका शोल्डर जो भी है बेबी का, उसे डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं शोल्डर है 11 इंचेस, डिवाइडेड बाय 2 करके 5.5 इंच पर मार्क करूंगी। वहीं से सीधे नीचे आर्म होल के लिए मैं मार्क करूंगी, आर्म होल के लिए तो वो है 6 इंचेस। तो रेडी होके ये आर्म होल हमारे बनेंगे 5.5 इंचेस। यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ कर ली है आर्म होल के लिए, देखिए ऐसे। यहाँ पे लेना है चेस्ट का मेजरमेंट। आपके बेबी की जो भी चेस्ट है उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। यहाँ पे मेरी मेजरमेंट में चेस्ट जो है वो है 30 इंचेस, डिवाइडेड बाय 4 करके 7.5 इंच पर मैं मार्क कर लूंगी। 7.5 इंच पर मार्क कर लिया है। ये जो टॉप हमारी बनेगी ये लगभग हमारी 9 इयर्स बेबी गर्ल के लिए बनेगी। अब देखिए, हमें टॉप की जो लेंथ है ना, लेंथ है वो मेजर कर लेनी है। तो यहाँ पे 9 इयर्स बेबी गर्ल के लिए बना रहे हैं, तो लगभग हमें टॉप जो रेडी रखनी है वो 21 इंचेस की रेडी रखनी है। और उसमें हमें लाइनिंग जो रखना है वो लगभग हमें 19 इंचेस का रेडी रखना चाहिए। तो यहाँ पे 20 इंच प्लस 1 इंच जो है हमने मार्जिन ली है जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसमें। तो देखिए 20 इंच पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ से सीधी लाइन जो है ड्रॉ करेंगे बॉटम साइड के लिए। तो ये हो गई 20 इंच पर लाइन। अब इसमें हमें 2 इंच जो है मार्जिन ऐड कर देनी है। अब आपके अकॉर्डिंग मार्जिन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जितना भी यहाँ पे फैब्रिक आ रहा है उतना फैब्रिक मैं यहाँ पे ले लूंगी। मार्जिन के लिए मार्किंग हो चुकी है। अब फ्रंट वाले आर्म होल के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे हम, और बैक वाले आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, और स्केल की हेल्प से आर्म होल का शेप जो है ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, स्केल को ऐसे फिक्स कर लेना है सबसे पहले। तो ये हो गया आर्म होल का शेप, फ्रंट आर्म होल हो गया है। अब हमें बैक आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का शेप जो है हमने ड्रॉ कर लिया है। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई कितनी लेनी है वो देखते हैं इस टॉप में। नेक की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर मार्क करूंगी लगभग में, 3 इंच से थोड़ा सा कम, जो कि सिलाई में हमारा बढ़ जाएगा। तो 3 इंच से कम, थोड़ा सा कम, 1-2 सूत जिसे बोलते हैं वो कम रखेंगे। और यहाँ से सीधे नीचे 3.5 इंच पर और मार्क करेंगे, और स्क्वायर शेप जो है सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। मैं हमें स्क्वायर नेक ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, बॉटम साइड में 2.5 इंच पर मार्क करेंगे एक, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए नेक का शेप जो है ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों नेक आप यहाँ पे सेम रख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। दोनों नेक जो है डीप भी सेम रख सकते हो आप। और बैक साइड में आपको यहाँ पे बटन होल जो है बना लेना है। अब ये जो शोल्डर है, शोल्डर की साइड से आर्म होल जो लाइन है वहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और मार्किंग कर लेंगे एज इट इज, शोल्डर डाउन, शोल्डर स्लोप की लाइन जिसे बोलते हैं उसे। और बॉटम में हमें ये जो है इस पार्ट को सीधी ही कटिंग कर लेनी है। ये जो टॉप है हमारा स्ट्रेट बनेगा। तो एज इट इज सबसे पहले यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ऐसे हमें पूरे जो है अस्तर की कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमें बैक आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। देखिए दोनों पार्ट सेपरेट करते हुए हमने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये जो है बैक वाला पार्ट है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन फैब्रिक लिया है और जो किनारी वाली साइड है मतलब अर्ज वाले साइड से इसे मैंने 4 फोल्ड में रखा है। मेरी वाली बाजू बंद बाजू है, सामने वाली साइड जो है ये ओपन साइड है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने बैक वाला पार्ट जो है वो लिया है। यहाँ पे रखते टाइम आपको कभी भी बैक वाला पार्ट रखना है। अब एज इट इज इस पार्ट को रखते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग करेंगे, एज इट इज इस पार्ट को रखेंगे, नेक की जो है मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल पार्ट की जो है वो भी हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है अच्छे से। अब देखिए मेन फैब्रिक की लेंथ कितनी रखनी है। तो इन शेप को यहाँ रखना है शोल्डर के ऊपर। और देखिए यहाँ पे हमें जो टॉप रेडी रखना है वो 21 इंच का रेडी रखना है लगभग 9 इयर्स बेबी गर्ल के लिए। तो इसमें हमें प्लस 1 इंच मतलब 22 इंच पर मार्क कर लेना है। ये जो है 1 इंच का जो है नीचे की साइड से फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा और अस्तर का फैब्रिक लगभग हमारा 1 इंच तक फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की जो है हमने मार्किंग कर ली है और यहाँ पे बैक आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। जैसे यहाँ पे मार्किंग कर रखी है एज इट इज, इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों पार्ट्स की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ठीक है, स्लीव्स के लिए फैब्रिक को यहाँ पे मैंने फोर फोल्ड में रखा है। मेरी वाली बाजू बंद है, सामने वाली ओपन है और इसे इसकी चौड़ाई कितनी ली है मैंने, जो कि नॉर्मल स्लीव्स की हमारी चौड़ाई रहती है उससे 2 से 3 इंच ज्यादा ली है, 2 इंच तक लगभग। तो यहाँ पे 10 इंच की जो है ये फोल्ड है। अब देखिए जो ओपन वाला पार्ट है वहां से 3 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए 3 इंच पर मार्क कर लेना है ओपन वाले पार्ट से और यहाँ पे 1 इंच देखिए ऐसे, और ऐसे स्लीव्स का जो है शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए यहाँ से स्लीव्स का शेप देना जो है स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे पफ स्लीव्स या फिर जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पे प्लेट्स आ जाएगी। देखिए स्लीव्स का जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पे छोटी छोटी प्लेट्स आ जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छे से स्लीव्स बनेगी हमारी, पफ स्लीव्स जैसी ही स्लीव्स बनेगी ऐसे। सिर्फ आपको ये चौड़ाई जो है वो ज्यादा लेनी है। अब देखिए स्लीव्स की लेंथ कितनी रखनी है, तो देखिए स्लीव्स की लेंथ यहाँ पे मैं 18 इंचेस रेडी रख रही हूँ, 18 इंचेस ली है। इसमें से हमारा जो आर्म होल पार्ट है उसमें चला जाएगा फैब्रिक, उसके बाद जो बॉटम है नीचे फोल्ड करने में चला जाएगा, तो लगभग 17 इंच की जो है स्लीव बनेगी, ये फुल स्लीव्स रहेगी। तो देखिए यहाँ से इसे ऐसे कर लिया है, सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर ली है। बॉटम साइड में फैब्रिक कितना लेना है, तो यहाँ पे मैं लगभग 7.5 इंच तक फैब्रिक लूंगी ताकि सिलाई मार्जिन भी हमें मिल जाए और नीचे भी गैदर्स जो है हमारे अच्छे से बन जाए, इससे स्लीव्स का जो लुक है बहुत ही प्यारा आता है। अब सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला लेना है और लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे स्लीव की जो है हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये स्लीव कैसे बनेगी वो मैं बताती हूँ। देखिए ये जो सेंटर वाला पार्ट है स्लीव का, वहां पे देखिए ऐसी छोटी छोटी चुन्नटे आ जाएगी हमारी, ऐसी छोटी छोटी पूरे पार्ट में हमारी चुन्नटे आ जाएगी, तो ऐसे ये फूला हुआ नजर आएगा। देखिए ऐसे यहाँ तक चुन्नटे आ जाएगी। उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ पे हम इलास्टिक रखेंगे, इलास्टिक से यहाँ पे गैदर्स आ जाएंगे अच्छे से। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है और देखिए ये जो है मेन फैब्रिक की सीधी साइड है और ये जो है उल्टी साइड है। मेन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर हमें अस्तर का पार्ट रखना है, फ्रंट पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रख लीजिए अच्छे से ऐसे। और अब हमें ये जो नेक वाला पार्ट है वो स्टिच कर लेना है अच्छे से, और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेना है। सो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक का पार्ट स्टिच कर लिया है, अब हम इस पार्ट को सीधी साइड टर्न करेंगे। देखिए लाइनिंग का पार्ट जो है वो ऐसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हमें ये जो नेक का पार्ट है उसे स्टिच कर लेना है अच्छे से, टॉप स्टिचेस लगा लेने हैं। आर्महोल पार्ट में भी हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है, अस्तर जो है जॉइंट कर लेना है। उसके बाद साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हमें कट कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट जो है टॉप स्टिचेस करते हुए हमने रेडी कर लिए है, आर्महोल भी रेडी कर लिए है, और ये जो बॉटम वाला पार्ट है देखिए अस्तर का बॉटम जो है वो फोल्ड कर लिया है, और ये भी जो बॉटम है इसमें भी हमें इलास्टिक इंसर्ट करना है। तो देखिए ये भी हमने इतना फोल्ड किया है जितना आपका इलास्टिक है उसी के अकॉर्डिंग ये फोल्ड कर लिया है। देखिए हमें क्या करना है, दोनों मेन फैब्रिक आमने सामने रखते हुए सबसे पहले शोल्डर की फिटिंग कर लेनी है, तो अब हम दोनों शोल्डर की जो है फिटिंग कर लेंगे। शोल्डर फिटिंग कर ली है, अब देखिए हमें स्लीव्स लेनी है और स्लीव्स का जो है सेंटर कर लेना है। आपकी जो भी स्लीव्स है सबसे पहले उसका सेंटर कर लीजिए, तो यहाँ पे स्लीव्स वाली साइड का सेंटर करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए, मार्किंग कर लिया है सेंटर वाले पार्ट में। अब देखिए हमें क्या करना है, सेंटर वाला पार्ट जो है शोल्डर का सेंटर और स्लीव्स का सेंटर यहाँ पे मैच कर लेना है, और एक पिन जो है हमें इस पार्ट में यहाँ पे लगानी है, जो एंड वाला पार्ट है स्लीव्स का एंड जहाँ पे है वहां पे एक पिन लगा लेनी है ऐसे। दोनों साइड पिन्स लगा ली है, अब सेंटर से सेंटर मैच करते हुए ऐसे हमें छोटी सी प्लेट लेनी है यहाँ पे, छोटी छोटी प्लेट्स जो है लेनी है यहाँ पे, जो सेंटर वाला पार्ट है वहीं पे हम प्लेट्स लेंगे ऐसे, ऐसी छोटी छोटी प्लेट्स लेंगे, और बाकी की जो स्लीव है वो उसी के अकॉर्डिंग, जितनी स्लीव जितना हमारा आर्म होल है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। देखिए सबसे पहले प्लेट्स ले लीजिए दोनों साइड से, सेंटर की दोनों साइड से प्लेट सेम लेनी है और बाकी की स्लीव जो है अटैच कर लेनी है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्लीव्स जो है हमने अटैच कर ली है और यहाँ पे प्लेट्स ली है, जो कि स्लीव्स का जो सेंटर है यहाँ पे प्लेट्स ली हुए हमने, और जो बॉटम है इसमें हमने पीको कर लिया है अच्छे से। ऐसे ही दूसरी भी स्लीव्स हमें रेडी कर लेनी है। अब देखिए हमें क्या करना है,
नीचे की साइड से 1 इंच पर एक मार्क कर लेना है। देखिए ऐसे सीधी साइड से 1 इंच पर मार्क करेंगे, पूरी जो ये हमारी बॉटम साइड है वहां पे 1 इंच पर मार्क करते जाएंगे और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन जो है ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। तो ये हो गई। अब हमें क्या करना है, देखिए अंदर वाली साइड से ऐसे ये जो स्लीव्स है फोल्ड कर लेनी है, जो भी मार्किंग किया है उसी के अकॉर्डिंग ये ऐसे फोल्ड कर लेनी है। उल्टी कर ली है और अंदर की साइड से 1 इंच पर मार्क कर लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो आपके इलास्टिक की जो भी लेंथ है, देखिए इलास्टिक की जो चौड़ाई है तो चौड़ाई इतनी है, इलास्टिक पास होना चाहिए इतना हमें यहाँ पे रखना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे इस पार्ट को फोल्ड करेंगे अच्छे से, 1 इंच जो पार्ट है नीचे बचना चाहिए हमारा, तो ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से इलास्टिक पास हो जाए इतनी स्टिच कर लेंगे। देखिए इतना जो है यहाँ से हमारा इलास्टिक जो है पास होना चाहिए, तो ऐसी स्टिच कर लेंगे पूरे बॉटम साइड में। देखिए फ्रेंड्स हमने जो भी मार्किंग किया था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इस पार्ट को अंदर की साइड से फोल्ड किया है। अब इस पार्ट को हमें ऐसे फिर से एक बार फोल्ड कर लेना है अच्छे से और एक स्टिच जो है साइड से लगा लेनी है। देखिए यहाँ से साइड से जो है हम और एक स्टिच लगाते हुए इस पार्ट को फिक्स कर लेंगे और उसके बाद अंदर से इलास्टिक जो है इंसर्ट करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस पार्ट को हमने डबल स्टिच कर लिया है। अब आपको इलास्टिक लेना है और सेफ्टी पिन की हेल्प से देखिए ये जो आपका जो भी इलास्टिक है उसी के अकॉर्डिंग ये आपको अंदर की साइड इंसर्ट कर लेना है। ऐसे पूरा इलास्टिक जो है इंसर्ट कर लेंगे बॉटम साइड में। ये फ्रेंड्स यहाँ पे इलास्टिक जो है इंसर्ट कर लिया है और ये अंदर वाली साइड है। अब ये जो इलास्टिक हमारा इसे हमें पूरे अच्छे से मिला लेना है और जो भी स्लीव्स का साइज है या फिर जो भी आपके बेबी का मेजरमेंट है हाथ का उसी के अकॉर्डिंग ये इलास्टिक हमें रखना है। ऐसे इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद देखिए इतना अच्छा इसे लुक जो है फ्रिल जो है बहुत ही प्यारी आ चुकी है। ऐसे ही दूसरी स्लीव्स हमने रेडी कर ली है। फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों स्लीव्स जो है हमने रेडी कर ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो है फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट वाले पार्ट में ये जो लेस है वो अटैच कर लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटर से 4 इंच तक ये जो लेस है 4 इंच तक हमें लगा लेनी है। तो 4 इंच पर एक मार्क करते हुए ये जो लेस है वो सेंटर की साइड से हमें ऐसे लगा लेनी है। उसके बाद इसे सिंपली ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए ऐसे, और जो ये वाला पार्ट है देखिए यहाँ पे ऐसी हमें ये जो लेस है वो लगा लेनी है। फ्रेंड सेंटर पार्ट में लेस जो है हमने अटैच कर ली है। हमें क्या करना है, टॉप को सिंपली अंदर की साइड टर्न कर लेना है। जो फ्रंट पार्ट है उसमें लेस लगाई है, बैक पार्ट में हमने कुछ अटैच नहीं किया है, मतलब बटन होल जो है वो भी अटैच नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे इलास्टिक जो है हमने ऐसे बंद करके रखा है। अब आपको यहाँ पे मेजरमेंट लेना है बेबी के हाथ का मेजरमेंट लेते हुए आपको टॉप को जो है फिटिंग कर लेनी है। यहाँ से फिटिंग करना स्टार्ट करेंगे बॉटम साइड तक। ऐसे ही ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें भी आपको मेजरमेंट लेते हुए ही स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे टॉप को हमने फिटिंग कर ली है फिनिशिंग के साथ। अब देखिए ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे आप बटन्स भी लगा सकते हैं ब्लैक कलर में या फिर आपके अकॉर्डिंग कौन से भी कलर के बटन्स यहाँ पे लगा सकते हो। स्लीव्स देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बन के आ चुकी है स्लीव्स, बेबी को ये बहुत ही प्यारा दिखेगा आपकी लड़की के लिए। और ये जो स्लीव्स है ये पफ स्लीव्स जैसे हमने बनाई है आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बॉटम वाले पार्ट में भी आप चाहे तो या इसमें इलास्टिक जो है इंसर्ट कर सकते हो, दोनों साइड से ये दोनों तरीके से ये टॉप जो है वेयर कर सकते हो, बॉटम साइड में इलास्टिक वेयर डाल के या फिर स्ट्रेट कट में भी।